इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह ने बीजेपी से किसी तरह की डील होने से इनकार किया है। मनमोहन सिंह के एक भतीजे ने आरोप लगाया था कि दलजीत सिंह किसी लालच की वजह से बीजेपी में शामिल हुए होंगे, लेकिन आज दलजीत सिंह ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी से उन्हें कोई लालच नहीं मिला, वो तो सिर्फ अमृतसर के विकास के वादे पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दलजीत सिंह ने कांग्रेस पर मनमोहन सिंह का मनोबल गिराने का भी आरोप लगाया है। भाई साहब 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन बिटवीन मेरा आपका मैं बता दीजिए, मेरा आज तक कोई रिकॉर्ड कोई आप देख लीजिए, आप मीडिया को सब कुछ पता है, 10 साल में अगर मैंने कोई डील की है तो फिर बताइए। हाँ, मेरी एक डील जरूर हुई है, मोदी साहब से हुई है, बादल साहब से हुई है, जेटली जी से हुई है, अमृतसर के विकास के लिए मेरी डील हुई है, और कोई डील नहीं है, ये सब बकवास हो रही है जो कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पिताजी के बाद मैंने उन्हीं को ही अपना फादर माना, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा दुखी हुआ जो इन दो सालों में डॉक्टर साहब का जो अपना उन्होंने मनोबल गिराया कांग्रेस पार्टी ने और अलायंस पार्टियों ने, जो वो करना चाहते थे वो हो नहीं सका, और मैं सोचता हूँ अगर मोदी साहब आए तो मोदी साहब उनके बचे हुए जो काम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आई होप परमात्मा करेगा, वाहेगुरु करेगा, हमारे में फैमिली में कोई ऐसी फ्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी गांधी फैमिली में भी मेनका गांधी और वरुण गांधी भाजपा में है, और सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस में है, तो मेरे साथ मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए।